नाटक का आयोजन किया गया। साथ ही खेलो इंडिया के तहत जो यहाँ पर बच्चों ने प्रस्तुतियाँ दी है वो बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ थी। आगे आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक काफ़ी मार्गदर्शक के रूप में ये चीज़ें जो है आप लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुति के माध्यम से सभी को बताया। साथ ही सड़क सुरक्षा सप्ताह जो हमारा चल रहा है उसके विषय पर भी आप लोगों ने यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किए और जिसके माध्यम से आपने ट्रैफिक से संबंधित जो भी सुरक्षा नियम बताए, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके साथ साथ जो बड़े हैं वाहन जो चलाते हैं उन लोगों को भी ये इसका जो इस संदेश के माध्यम से एक मार्गदर्शन मिलेगा और सभी को सड़क सुरक्षा के तहत जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। कारण ये है कि हम लोग हमेशा अपनी गलतियों को छुपाकर दूसरों पर दोष जरूर देते हैं लेकिन हम लोग अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करते। कारण ये है कि हम लोग जैसे बड़े लोग जो हैं वो अपने बच्चों को मोटरसाइकिल उसकी सुविधा के लिए अवेलेबल तो कराते हैं लेकिन वो उसके साथ साथ सेफ्टी पर्पज़ से क्या क्या आवश्यक है उन चीज़ों को जो है वो लोग नहीं देखते हैं ना अपने बच्चों को उसके लिए बताते हैं। तो जब आप बड़े होकर अपने बच्चों को इस चीज़ के से अवगत नहीं कराएंगे तो बच्चों को भी उसकी अहमियत नहीं मालूम होगी। तो जब आप सावधान रहेंगे तो बच्चों को भी सावधान रहने का जो है एक वो मिलेगा कि हम लोगों को भी इन नियमों का पालन करना है। कई बार हमने देखा है कि बच्चे तीन सवारी बैठ के जाते हैं, आपके पालक लोग आपको वाहन सुविधा इसलिए उपलब्ध करवाते हैं कि आप लोग आसानी से पढ़ाई के लिए आना जाना कर सकें, बट आप लोग ये करते हैं कि एक के साथ दो, दो के साथ तीन और कभी कभी तो चार इस तरह से बैठ जाते हैं। ठीक है, मस्ती के लिए आप लोग ये लोग करते हैं लेकिन वो मस्ती कभी कभी जो है आपके जीवन के लिए काफ़ी घातक हो सकती है। जब आप घर से निकलते हैं तो परिवार वालों को एक चिंता बनी रहती है कि आप लोग जो बाइक लेकर गए हैं तो सुरक्षित रूप से घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हेलमेट न पहनने से कई बार सिर में आई चोट की वजह से कई व्यक्तियों की जान चली गई है। यदि आप हेलमेट पहनते, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि व्यक्ति की मौत तभी होती है जब हेड इंजुरी बहुत गंभीर रूप से होती है। यदि आप हेलमेट पहनेंगे तो हेलमेट पहनने से कम आपकी हेड इंजुरी ना होगी और उसकी वजह से किसी की जान नहीं जाएगी। थोड़ी बहुत चोट आती है तो वो मृत्यु का कारण नहीं होता है। फिर भी हमारा ये कहना है कि सावधानी से वाहन चलाएं, बहुत स्पीड में न चलाएं। अगर आप 5 मिनट लेट भी पहुंचेंगे तो उससे कोई आपके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति नहीं आ जाएगी, बट अगर आप तेज़ चलेंगे और कोई एक्सीडेंट हो गया और बुरी तरह से घायल हो गए, आपके हाथ पैरों में इस प्रकार की गंभीर चोटें आई जो स्थायी रूप से आपके जीवन में अपंगता का कारण बन सकती है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए सड़क पर चलते हुए वाहनों के संबंध में जो भी नियम बताए गए हैं उनको आपको पालन करना है। स्पीड पे नहीं चलना है, हेलमेट पहनकर आपको गाड़ी चलाना है, तीन सवारी नहीं बैठना है। साथ ही आपके जो भी बीमा वगैरह जो होते हैं वो ज़रूर करा कर रखें आप लोग। इसी के साथ खेलो इंडिया के तहत जो बच्चों ने एक संदेश दिया है, खेल व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ होती है, इससे व्यक्ति के अंदर एक आत्मविश्वास बनता है। जब हमारा शरीर व मन स्वस्थ रहेगा तभी हम लोग जो है आगे अपनी पढ़ाई पर भी बहुत अच्छा फोकस कर सकते हैं। तो खेल हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमको सभी को खेलना चाहिए और साथ में एक जो अगर किसी भी स्पोर्ट्स में जो अच्छी तरह से वो करता है तो आगे चलकर आप स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक भी आप खेलेंगे, उसके लिए शासकीय रूप से या प्रशासनिक रूप से बहुत सारी सुविधाएं आपको अवेलेबल है, तो वो सारी सुविधाएं आपको खेलो इंडिया के तहत ज़रूर मिलती है। आप लोग ज़रूर खेलें, जो भी अपने अपने खेलों में जो भी अच्छे स्पोर्ट्स में आप लोग अपनी रुचि लेते हैं वो आप उसमें ज़रूर आगे बढ़ें। धन्यवाद।